हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर गैमेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो नर और स्त्री ये जो जनन कोशिका हैं जिसको युग्मक बोलते हैं उनका निर्माण होता है। जैसे स्पर्म है और ओवा है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु। तो गैमेटोजेनेसिस को कहा जाता है जिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है? ये होता है स्त्री और पुरुष के गोनेट्स में, जननांग। तो वो जनन अंग कौन से होते हैं? वो होते हैं टेस्टिस और ओवरी, ठीक है ना, अंडाशय और वृषण। द गैमेट्स डिफर फ्रॉम द अदर सेल। तो जो युग्मक है वो दूसरी कोशिकाओं से अलग है, जैसे कि सोमाटिक जो कोशिकाएं होती है अपने शरीर की, उनसे इनमें भिन्नता पाई जाती है। इन देयर न्यूक्लियाई कंटेन ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ सोमाटिक सेल। जो सोमाटिक सेल्स जो होती है वो डिप्लोइड होती है, वेयर है जितनी भी ये जो स्पर्म और ओवम है दे आर हैप्लोइड विच कंटेन ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एन। तो सोमाटिक कोशिकाओं में और जो ये क्या कहते हैं युग्मक है कोशिकाएं हैं उनमें और सोमाटिक कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस ये दोनों गैमेटोजेनेसिस के अंदर आते हैं, जिनके अंदर जो गैमेट्स है ओवम और स्पर्म वो प्रोड्यूस होते हैं। ओजेनेसिस मतलब ओवा ओवम का निर्माण होता है जो कि ओवरी में होता है। ओवरी जो कि फीमेल गोनेट्स है उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट्स बनते हैं, जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहाँ माइटोसिस से ये हैप्लोइड गैमेट्स बने, फिर क्या कहते हैं मियोसिस से, फिर मियोसिस हुआ सेकेंड मियोसिस, उससे फिर वापस हैप्लोइड क्या कहते हैं, यहाँ से मियोसिस हुआ, यहाँ पर वापस माइटोसिस हुआ, ठीक है ना। तो ये हैप्लोइड गैमेट्स बने। और जहां पर वो जेनेसिस होता है तो वहां पर एक ओवम और तीन पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट ये पर एक मियोसिस हो रहा है, दूसरा माइटोसिस, यानी कि मियोसिस सेकेंड है लेकिन जो कि सिमिलर होता है माइटोसिस की जगह। तो ये मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस सेकेंड है जो कि माइटोसिस के जैसा है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म निर्माण की एक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के टेस्टिस यानी कि उसके वृषण में देखने को मिलती है। ये मियोसिस फर्स्ट है जिससे हैप्लोइड बनते हैं, फिर हैप्लोइड से वापस हैप्लोइड कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि मियोसिस सेकेंड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्म। इसको अपन विस्तृत में आगे जहाँ ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे वहाँ इसको अपन देखेंगे। ये जनरली ब्रीफ में आपको यहाँ बता रहा हूँ। और यहाँ जो भी ये प्राइमरी ओसाइट से ओसाइट ओवम बन रहा है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बन रहा है, ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों ही स्टेप है, लेकिन इसमें माइटोसिस भी देखने को मिलता है। तो वो अपन आगे जहाँ मल्टीप्लीकेशन फेस होता है इन दोनों का उसके अंदर, तो जहाँ विस्तृत में अपन स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर मियोसिस फॉर्म्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो मियोसिस अपना एक विशेष रोल अदा करता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर। गैमेटोजेनेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर जहाँ पर स्पर्म बनते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पर ओवम बनते हैं वो प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस कंप्राइज सिमिलर फेसेस ऑफ द सीक्वेंस सेंसेस। दोनों के अंदर अलग अलग फेसेस पाए जाते हैं जो कि एक जैसे ही होते हैं। जैसे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मल्टीप्लिकेशन फेस मिलेगा, ओजेनेसिस में मल्टीप्लिकेशन फेस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ फेस और मैचुरेशन फेस। तो मल्टीप्लिकेशन फेस में क्या है, मल्टीप्लाई होते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ग्रोथ फेस में उनका साइज इंक्रीज होता है और मैचुरेशन फेस में वो अपनी परिपक्व अवस्था में आते हैं। तो ये तीन फेसेस आपको गेमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में देखने को मिलते हैं। अपन
गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करने से पहले अपन ये देखते हैं कि जो टेस्टिज है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो वो किस प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना, और उसके लिए क्या आवश्यक है। स्पर्मेटोजेनेसिस द टेस्टिज आल्सो टेस्टिकल्स आर टू ओवल शेप, तो ये दो अंडाकार आकार के टेस्टिज होती हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक अंग है। दे आर कंटेंट ए सेक ऑफ स्किन, तो उनके चारों तरफ एक तेलस नुमा आकृति पाई जाती है, एक आकार स्किन का पाया जाता है, त्वचा का बना हुआ है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं, जो कि हैंग्स स्क्रोटम हैंग्स आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी शरीर से बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, इन द फ्रंट ऑफ पेल्विक रीजन, जो अपना पेल्विक रीजन है उसके, और अपर टू थाई है उसके पास में। द स्ट्रक्चर विद इन द टेस्टिज आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, तो टेस्टिज का जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए महत्वपूर्ण है, वो किस लिए कि वो स्पर्म का निर्माण कर सकते हैं और स्पर्म को संग्रहित कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए और स्टोरेज के लिए, अंटिल दे आर मैच्योर इनफ फॉर इजेक्शन, जितना कि उसमें परिपक्वता आ जाए और वो इजेक्लेट हो सके, मतलब बाहर आ सके। द टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस ए हार्मोन, तो इसके अलावा स्पर्म के अलावा टेस्टिस क्या हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाली लेडिंग सेल्स है या जो अंतरीय कोशिका है जिसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, तो वो कोशिकाएं क्या करती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो कि जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन उत्तरदायी होता है। दूसरे जितने भी लक्षण हैं मेलनेस के, यानी कि पुरुष के जितने भी जो कैरेक्टर है मेल कैरेक्टर, वो सारे उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होता है, जो कि लेडिंग सेल या अपन कहे उसको इंटरस्टिशियल सेल, वो इसका श्रावण करती है, वो सीक्रेशन करती है। दिस हार्मोन इज ए रेस्पॉन्सिबल सेक्स ड्राइव, तो ये भी कहा अपने कहा कि भाई ये सेक्स के लिए उत्तरदायी है, उसकी फर्टिलिटी के लिए उत्तरदायी है, और जो मसल्स मेल के डेवलप होते हैं उसके लिए उत्तरदायी है, मसल्स एंड बोन्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उसके लिए भी उत्तरदायी है, जैसे दाढ़ी आना है, ठीक है ना, मसल्स मांसपेशियों का डेवलप होना है, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। तो टेस्टिस के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको ट्यूनिका वेजिनलिस कह जाते हैं। उसके अंदर तीन लेयर आते हैं, बाहर का लेयर होता है पेरिटल, उसके बीच में कैविटी, उसके बीच में वेसल, तो ठीक है ना, ये सबसे बाहर का जो स्तर है, ठीक है ना, जिसमें सबसे बाहर का स्तर माना जाए तो ये है पेरिटल, ठीक है ना, जिसको पेरिटोनियम भी कहा जाता है, सबसे बाहर का जो लेयर। उसके बाद आता है ट्यूनिका अल्बुजेनिया, ये संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना, जो कि जितने भी संयोजी अंदर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है संयोजी ऊतक है, उसके चारों तरफ एक स्तर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजेनिया। उन संयोजी ऊतकों के अंदर आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगी, ये जो कुंडली में ये सारी क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है ना, ये स्टेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजिनलिस, अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजेनिया, जो कि चारों तरफ से किसको, संयोजी ऊतक को घेरे हुए, उस संयोजी ऊतक के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और उन संयोजी ऊतकों के अंदर संयोजी कोशिकाएं पाई जाती है, और वो संयोजी कनेक्टिव सेल्स है वो लेडिंग सेल्स कहलाती है, ठीक है ना। तो अपन ऐसे नॉर्मली बात करें तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उनके बीच में, अंदर नहीं, बीच में कौन सी जो पाया जाता है, वो संयोजी ऊतक पाया जाता है, उन संयोजी ऊतकों के अंदर संयोजी कोशिकाएं पाई जाती है, और वो संयोजी कोशिकाएं कौन सी है, लेडिंग सेल या फिर उसको इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये तो नॉर्मली स्ट्रक्चर हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कनेक्टिव टिश्यू के चारों तरफ ट्यूनिका अल्बुजेनिया, और ट्यूनिका अल्बुजेनिया के चारों तरफ ट्यूनिका वेजिनलिस, तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। और ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर होना है इसलिए जरूरी है कि जिसके अंदर सेम जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसका प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि शुक्राणु के प्रोडक्शन के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अनुकूल नहीं होता है, इसलिए ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा जो आकृति है, स्क्रोटम जिसको बोलते हैं, वो बाहर निर्मित होती है जिससे कि स्पर्म पूर्णतः विकसित हो पाता है। एब्डोमिनल का जो कैविटी है अंदर की, अपना जो उदर गुहा है, उसका जो तापमान है वो स्पर्म के प्रजनन, स्पर्म के जनन के लिए, उस स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए, शुक्राणु के विकास के लिए अनुकूलित नहीं होता है उदर गुहा का जो तापमान है, तो इसलिए ये थैलस नुमा आकृति जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है उसके अंदर
दो ओवल शेप के टेस्टिस पाए जाते हैं, वसन पाए जाते हैं, जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में जाके मिलती है, ठीक है ना, जिसको रेटे टेस्टिस कहा जाता है, ठीक है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको, और वो फिर रेटे टेस्टिस इफ्रेंट डक्टुलस से जाती है एड एपिडिडिमस में, और फिर ये एपिडिडिमस में स्पर्म आ जाते हैं। तो जो मैच्योर स्पर्म होके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहाँ आ जाते हैं, एपिडिडिमस में आ जाते हैं, फिर ये वासा डिफरेंशिया के थ्रू बाहर की तरफ एजुकुलेट होते हैं। अब यहाँ अपन ने पढ़ा कि टेस्टिस का, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब यहाँ अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ क्या है, संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतकों के अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो हार्मोन का श्रावण करती है, जिसको मेल एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो वो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का जो आवरण है, ये आवरण है देख रहे हैं, ये आवरण क्या कहलाता है, ट्यूनिका प्रोपेरिया कहलाता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको मदर ऑफ स्पर्म कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको जर्मिनल इपिथेलियम कहा जाता है, उस जर्मिनल इपिथेलियम जो कि अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है, एक तो आपको बिल्कुल गोल कोशिकाएं ऐसी मिलेगी, और एक कोशिकाएं जो कि स्तंभाकार टाइप की मिलेगी, तो इन दोनों कोशिकाओं से मिलकर जर्मिनल इपिथेलियम जो लेयर है, जिसको मदर ऑफ स्पर्म लेयर कहा जाए, ठीक है ना, जिसके अंदर ये जर्मिनल जो सेल्स है स्पर्मेट, ठीक है ना, प्रिमोर्डियल जिसको बोलते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बोला जाता है, वो इसके अंदर पाई जाती है जर्मिनल इपिथेलियम के अंदर, और इसके जो कि गोल होती है स्पेरिकल, और दूसरी जो कोशिकाएं होती है जो स्तंभाकार होती है, जो क्या है, नर्स सेल, जिसको पोषक कोशिकाओं के रूप में कहा जाता है, या अपन कहें उसको क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल्स कहा जाता है, ये क्या करते हैं, नरिशिंगमेंट देती है किसको, स्पर्म को। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो अंदर का जो ल्यूमेन है, उसके अंदर क्या क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम, सर्टोली सेल्स, ठीक है ना, और प्रिमोर्डियल जर्म सेल, जो जर्मिनल इपिथेलियम के, तो ये दो प्रकार के अलग अलग कोशिकाएं, गोल होगी वो एक्ट एज ए प्रिमोर्डियल जर्म सेल की तरह काम करेगी, जो स्तंभकार होगी वो नर्स सेल यानी कि सर्टोली कोशिकाओं की तरह काम करेगी, और वहां पर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, स्पर्म के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चलती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, स्पर्म टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस में कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, जो कि क्या है, युग्मक है, मेल युग्म, ठीक है ना, और वो मेल के गोनेट्स, मतलब मेल के गोनेट्स क्या हो गए, टेस्टिस, उन टेस्टिस के अंदर किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया के अंदर ये अपन जो इधर देख रहे हैं डायग्राम, तो ये मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसके अंदर चार स्टेप्स आते हैं, यहाँ पर सारी कोशिकाएं डिप्लोइड होगी, कहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन फेज, मतलब ये अपनी संख्याएं बढ़ रहा है, और ये माइटोसिस के थ्रू हो रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन फेज में, ये फर्स्ट फेज आएगा जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, और इसमें सारा माइटोसिस हो रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। इसके पश्चात ये ग्रो करेगा, ग्रो मतलब अपनी साइज आकार बढ़ाता है, तो ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल से माइटोसिस होके यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये भी स्पर्मेटोगोनिया है, ये भी स्पर्मेटोगोनिया है, ये भी स्पर्मेटोगोनिया है, जब ये ग्रो करके अपना आकार बढ़ाएगा, तो ये भी 2N है, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, और ये फिर फर्स्ट मियोसिस, पहला अर्धसूत्री विभाजन से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिप्लोइड था, वो क्या हो जाएगा, हैप्लोइड हो जाएगा, और ये भी N, ये भी N, ये मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद ये हैप्लोइड जो है ये सेकेंडरी है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिप्लोइड है, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या है, हैप्लोइड है। ये मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ हैप्लोइड से वापस हैप्लोइड बनेगी, लेकिन ये रिडक्शनल था मियोसिस डिवीजन, और ये क्या था, इक्वेशनल डिवीजन था, मतलब यहाँ पर कम हो रहे हैं,
क्रोमोसोम्स, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कम नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ 23 से 23, यहाँ तो स्ट्रक्चरली हाफ हो गए क्रोमोसोम्स, या न्यूमरिकली ठीक है ना, या न्यूमरिकली क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, और मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम आकारिकी रूप से आते हो गए, और मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स संख्या के रूप से आते हो गए, और मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम्स आकारिक रूप से आधे हो गए। तो ये हैप्लोइड, यहाँ पर चार स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और फिर वो स्पर्मेटिड्स क्या है, अपना आकार का निर्माण करेगा, उसके हेड का, उसके मिडल पीस का, और उसकी टेल का। तो उस प्रक्रिया को स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कोशिका है, जिसको अपन गैमेट्स बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो प्रक्रिया, यानी कि वो अपना आकार का जो निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर चार स्पर्म का निर्माण होता है, जबकि ऊजेनेसिस है उसके अंदर एक ही ओवम का निर्माण होता है, और तीन पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ये स्लाइड है जो आप नेक्स्ट में देख रहे हैं, ये अपने टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, किसका, टेस्टिस का। तो ये जो पूरा है ये क्या है, आपको यहाँ पर ये पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल से यहाँ पर ये दर्शाया हुआ, ये अपन यहाँ से देखते हैं, ये पूरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये एक पूरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है ना। तो प्रोमोडियल जर्म सेल, प्रोमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियम, तो स्पर्मेटोगोनियम जब तक बनता है तब तक माइटोसिस प्रक्रिया होती है, मतलब समसूत्री विभाजन होता है, और उस ग्रोथ करता है, तब वो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन जाता है, वृद्धि करके अपने आकार वो बढ़ा के वो बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि डिप्लोइड होता है। तो ये यहाँ पर इसके प्रक्रिया अंदर की ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है ना। जो बीच में यहाँ पर आपको जो दिखेंगे वो स्पर्मेटिड्स होंगे, यहाँ पर जो आपको बीच में एकदम दिखेंगे वो स्पर्मेटोजोआ होंगे। शुरुआत में दिखेंगे तो आपको प्रिमोर्डियल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोना, और ये देख ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर बीच में यदि कोई कोशिका होगी वो लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहलाएगी, ठीक है ना, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये नॉर्मली अपन ने गैमेटोजेनेसिस क्या है, और ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का अपन ने पढ़ा। आगे वाले जो वीडियो लेक्चर के थ्रू अपन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो स्पर्मेटोजोआ है उसका आकार, उसके कौन कौन से पार्ट है, और वो कैसे डेवलप्ड होते हैं, कैसे विकसित होते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।